जी फ्रेंड्स नमस्कार, मैं एके झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं लेक्सिकन इंग्लिश टीचिंग सेंटर सीजीएल मेंस 2022 में जो प्रश्न पूछे गए उस प्रश्नों को देख के तो यही लगता है कि एग्जामिनर मेंस का एग्जाम नहीं बल्कि एक प्री का एग्जाम ले रहा है। इतने आसान क्वेश्चंस पूछे गए, इतने आसान क्वेश्चंस पूछे गए, अगर फिर भी लोग स्कोरिंग करके नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बच्चों का एक बहुत बड़ा हार होगा। और ये जो बहुत बड़ा हार है उसी के लिए हम लोग कहेंगे टू मीट वंज वाटरलू। टू मीट वंज वाटरलू इसका मतलब बहुत बड़ी हार। टू बी डिफीटेड फाइनली, तो आइए देखते हैं आखिर इसमें एक वर्ड का इस्तेमाल क्या गया, वो है लू। तो पहले जमाने में ओल्ड इंग्लिश में लू का इस्तेमाल होता था। लू मतलब हो गया टॉयलेट, और टॉयलेट का मतलब बाथरूम, टॉयलेट मतलब बाथरूम। अब यहां पर देखिए लू का प्रयोग आमतौर पर महिला के बाथरूम के लिए यूज किया जाता था ओल्ड इंग्लिश में। तो लू क्या होता था, इसको लोग बोल देता था लेडीज रूम, इसको लोग बोलता था लेडीज रूम, लेडीज रूम। अभी भी ओल्ड फैशन्ड में लेडीज रूम बोला जाता, लेडीज रूम का मतलब था लू। टॉयलेट, टॉयलेट क्या हो गया, इसको कहा जाता था वाटर, वाटर क्लोजेट, वाटर क्लोजेट, वाटर क्लोजेट, इसको ओल्ड फैशन्ड में यही बोला जाता था। ओल्ड फैशन्ड में, ओल्ड इंग्लिश में, ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश में, ओल्ड फैशन्ड में इसको क्या था लेडीज रूम, ओल्ड फैशन्ड में क्या होता है वाटर क्लोजेट, वाटर क्लोजेट का मतलब टॉयलेट, टॉयलेट और लेडीज रूम का मतलब लू, लू इक्वल टू टॉयलेट। और बाथरूम तो सभी लोगों को पता है, तो किसी आदमी को गांव सब में कहावत सुनते होंगे डैश करा देंगे। यदि सीखे होंगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।